मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा रूस ताल्लुकात मजीद कशीदा। कनाडा ने रूस का कार्गो जहाज जब्त कर लिया। रूस का कहना है कनाडा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता हो सकते हैं। रूस ने अपने जहाज को जब्तगी को चोरी करार दे दिया। मुल्क बदरी का सामना करने वाले भारतीय तलबा के लिए कनाडा का बड़ा ऐलान। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना था कि फ्रॉड के शिकार बैन अलावा तलबा को मुल्क बदर नहीं करेंगे, कुछ गैर मुल्की तालीम की आड़ में कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। ग्लोबल T20 की 3 साल बाद वापसी, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अपना जादू चलाएंगे। इवेंट में 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। टेक्सास में गल्फ ऑफ मैक्सिको के साहली इलाकों में अचानक से लाखों मुर्दा मछलियां नमूदार हो गईं। मछलियों की हलाकत पानी में ऑक्सीजन की सतह कम होने से हुई। सयाहों के लिए इंतबाह जारी, साहिल पर ना जाने की हिदायत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास 5 रोज़ा दौरा चीन पर। चीनी सदर का कहना है कि इसराइल से तनाज़े के तस्वीर के लिए फलस्तीन की हिमायत करेंगे। चीन फलस्तीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान करेंगे, जो अहम संग मील साबित होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. रूस का कहना है कि कनाडा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता होने के करीब हैं, क्योंकि ओटावा ने कार्गो तैयारा कब्जे में ले लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस का कहना है कि कनाडा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता होने के करीब हैं, क्योंकि ओटावा ने कार्गो तैयारा कब्जे में ले लिया है। कनाडा पहला G7 मुल्क था जिसने असासों को जब्त करने और फंड्स को मंजूर शुदा हुकूमत के मुतासरीन की तरफ मोड़ने का कानून बनाया। मास्को खबरदार कर रहा है कि वफाकी लिबरल हुकूमत की जानिब से एक बड़े रूसी कार्गो तैयारे को जब्त करने के बाद कनाडा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता होने के दहाने पर है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वीकेंड पर यूक्रेन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने ऐलान किया कि कनाडा ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हवाई जहाज पकड़ लिया, जो फरवरी 2022 से टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रिमर पर था। रूस की वजारत खारजा ने मंगल को अंग्रेजी जबान में शाया होने वाले एक बयान में कहा, हम इस अमल को घटिया और बेशर्मी की चोरी समझते हैं। एक साल पहले कनाडा पहला G7 मुल्क बन गया जिसने कानून नाफिज किया जो ओटावा को इजाजत देता है कि वो मंजूर शुदा लोगों के असासों को ना सिर्फ जब्त कर सके, बल्कि उस रकम को जब्त करके उसे मंजूर शुदा हुकूमत के मुतासरीन की तरफ मोड़ दे। ये कानून अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया, लेकिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा एक अमल शुरू करने का इरादा रखता है कि या तो हवाई जहाज यूक्रेन को मुंतकिल किया जाए या उसे पैसे के एवज फरोख किया जाए, जिससे मुल्क की बहाली में मदद मिलेगी। ट्रूडो ने हफ्ते के रोज़ कहा, हम इसे जल्द अज जल्द करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यूक्रेन के बाशिंदे बहुत खुश हैं कि रास्ता शुरू हो गया। रूसी रजिस्टर्ड एंटॉप AN-124 फर्म वॉल्गा डनेपर की मिल्कियत है। ये दुनिया के सबसे बड़े तैयारों में से एक है और कनाडा को खदशा है कि रूस इसे यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए फौजी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हुकूमत ने 8 जून के काबीना के हुक्म के जरिए सरकारी तौर पर तैयारे को जब्त कर लिया। वकला का कहना है कि मालकान इस वक्त तक जब्ती का अदालती चैलेंज शुरू कर सकते हैं जब तक कि ओटावा असासे को जब्त करने के लिए बाज़ाब्ता अदालत में दरख्वास्त दायर नहीं करता। इस वक्त फर्म को तहरीरी नोटिस मिलेगा और उसे दरख्वास्त को चैलेंज करने का मौका मिलेगा।
मास्को ने कहा कि वो चोरी की गई रूसी अमलाक का बदला लेने के लिए तैयार है। उसने नोट किया कि तैयारा COVID-19 टेस्टिंग किट्स की फराहमी के लिए टोरंटो में उतरा था। रूसी फरीक ने खबरदार किया है कि इस फैसले के अमली नफाज से रूसी कैनेडा के ताल्लुकात के लिए इंतहाई संगीन असरात मुरतब होंगे, जो पहले ही मुनक़ता होने के दहाने पर है। हम बाहमी उसूल के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। गुज़िश्ता माह सेनेट की एक रिपोर्ट में मुतनब्बा किया गया था कि कानून साजी पैरून मुल्क कैनेडा की कंपनियों को खतरे में डाल सकती है, और अगर इन दफात को मुनासिब अमल के जरिए नाफिज नहीं किया गया तो कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँच सकता है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि वो इमिग्रेशन फ्रॉड का शिकार होने वाले बैनुल अक्वामी तलबा को मुल्क बदर नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि वो इमिग्रेशन फ्रॉड का शिकार होने वाले बैनुल अक्वामी तलबा को मुल्क बदर नहीं करेगा। कैनेडा के वजीर बराए इमिग्रेशन महाजरीन और शहरियत का कहना है कि हिंदुस्तान के दर्जनों बैनुल अक्वामी तलबा जो गैर दानिस्ता तौर पर जाली दाखला खतूत के तहत कैनेडा आए थे, उन्हें मुल्क बदरी से बचाया जाएगा। इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने ऐलान किया कि इमिग्रेशन फ्रॉड के शिकार जिनको मुल्क से निकाले जाने का सामना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें आर्जी रिहायशी इजाजत नामा दिया जाएगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कैनेडा में रह सकते हैं और उन पर 5 साल की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। आम तौर पर गलत बयानी के मामलों की पैरवी करते हैं। वकला का कहना है कि तकरीबन 700 हिंदुस्तानी तलबा और ग्रेजुएट, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से है, को इस वक्त बैनुल अक्वामी स्टडी परमिट दरख्वास्तों के घपलों के सिलसिले में मुल्क बदरी का सामना है। बहुत से मामलों में धोखाधही का पता चला, और जब मुतासिरा अफराद ने मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दी तो मुल्क बदरी के अहकाम जारी किए गए। उनमें से सैकड़ों तलबा और उनके हामियों ने ग्रेटर टोरंटो एरिया में पियर्सन हवाई अड्डे और दीगर मकामात के करीब पिछले 6 या इससे ज़ायद महीनों में रैलियों की मेज़बानी की और उनमें शिरकत की। बहुत से लोगों ने मिसिसागा में कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के हेडक्वार्टर के बाहर पार्किंग लॉट में 2 हफ्ते तवील धरने में भी हिस्सा लिया। कई महीनों से नौजवान सपोर्ट नेटवर्क ने बेदारी पैदा करने में मदद की और पील रीजन और आसपास के इलाके में बैनुल अक्वामी तलबा की वकालत की है, जिन्हें कनाडा से निकाले जाने का सामना है। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना था कि मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल बेईमान अदाकारों से मुतासिर होने वालों के लिए परेशान कुन है, और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी फलाह बहबूद इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं ये वाजा करना चाहता हूँ कि जो बैनुल अक्वामी तलबा धोखा दही में मुलविस नहीं पाए गए, उन्हें मुल्क बदरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम बेईमान और धोखाधही करने वाले कंसल्टेंट्स के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए हर मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं जो यहाँ कनाडा में आने, काम करने, तालीम हासिल करने या आबाद होने के ख्वाहां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गैर मुल्की शहरी ऐसे भी हैं जो धोखाधही के जरिए कनाडा आए। ये दावा करते हैं कि वो यहाँ तालीम हासिल करने आए हैं, लेकिन इसके बजाय मुल्क के इमिग्रेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्लोबल T20 कनाडा 3 बरस बाद वापस आ रहा है, जिसमें कई नामवर सितारे नजर आएंगे, जिसमें 2 नई टीमों का इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्लोबल T20 कनाडा 3 बरस वापस आ रहा है, जिसमें कई नामवर सितारे नजर आएंगे, जिसमें 2 नई टीमों का इजाफा होगा। रवां साल टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें सिरे जेगुरास और मिसिसियोगा पेंथर्स नया इजाफा है। ग्लोबल T20 कनाडा के तीसरे एडिशन में 14 पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। ग्लोबल T20 कनाडा का तीसरा एडिशन 20 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। मिसिसागा पेंथर्स में शुएब मलिक को मार्की प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया है। शाहनवाज दहानी और आजम खान भी इस टीम में शामिल हैं। टोरंटो नेशनल्स के स्क्वाड में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें शाहिद आफरीदी को मार्की खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया गया है, जबकि जमान खान, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक भी टोरंटो नेशनल्स की टीम में शामिल हैं। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वैनकूवर नाइट्स के मार्की प्लेयर मुंतखब हुए हैं, जबकि उसामा में हुसैन तलत और उस्मान खान ब्रैम्पटन वॉल्स में शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास आफरीदी को मॉन्ट्रियल टाइगर्स के स्क्वाड में शामिल किया गया है। इफ्तिखार अहमद सिरे जगुआर्स के मार्की प्लेयर हैं, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस भी सिरे जगुआर्स का हिस्सा है। टेक्सास में गल्फ ऑफ मैक्सिको के साहिली इलाकों में अचानक से लाखों मुर्दा मछलियाँ नमोदार हो गई। साहिल समंदर मुर्दा मछलियों से भर गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टेक्सास में गल्फ ऑफ मैक्सिको के साहिली इलाकों में अचानक से लाखों मुर्दा मछलियां नमूदार हो गईं। साहिल समंदर मुर्दा मछलियों से भर गए। क्विंटाना बीच काउंटी पार्क के हुकाम के मुताबिक टेक्सास की
ब्राजोरिया काउंटी की 64 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी गल्फ ऑफ मैक्सिको में समंदरी लहरों के जरिए आने वाली लाखों मुर्दा मछलियों से भर गई है। टेक्सास पार्क एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना था कि पानी में ऑक्सीजन की सतह कम होने के बाद दम घुटने के बायस बड़े पैमाने पर मछलियों की हलाकत हुई है। गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ने की बड़ी तादाद में मछलियों के मरने की सूरत हाल पैदा होना आम बात है। साहिलों पर मुर्दा मछलियाँ नमूदार होने के बाद इंतजामिया ने सयाहों के लिए इंतबाह जारी करते हुए उन्हें साहिलों का रुख ना करने की हिदायत जारी कर दी। हालांकि ताहाल किसी ने भी वाकये को क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ा। ताहम माहिरीन का कहना है कि जैसे जैसे ज़मीनी माहौल के दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, यूरोप और अमरीका की झीलों और समंदरों में ऑक्सीजन की सतह कम होती जाएगी, जिससे इस तरह के वाकयात में इजाफा हो जाएगा। वाज़ह रहे कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व लेवल में इजाफा फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए होता है, बल्कि इसी तरह जैसे पौधे सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं। चीन और फलस्तीन के सदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तेफाक हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने फलस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास को इस बात का यकीन दिलाया कि इसराइल से तनाज़े के जल्द मुनसिफाना और देरपा तस्वीर के लिए फलस्तीन के साथ तआवुन करेंगे। चीन और फलस्तीन के सदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तेफाक हो गया, जिसकी तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास चीन के 5 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अजीम हॉल ऑफ द पीपल्स के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की और याददाश्त पर दस्तखत किए। मुलाकात के दौरान सदर शी जिनपिंग ने फलस्तीन के साथ तमाम शोबों में दोस्ती और तआवुन को फरोग देने के अज़्म का भी इजहार किया है। चीनी सदर शी ने मजीद कहा कि आज हम मुश्तरका तौर पर चीन फलस्तीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क्याम का ऐलान करेंगे, जो दो तरफा तालुकात की तारीख में एक अहम संग मील साबित होगा। इससे कबल चीन के सदर ने दिसंबर में सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की थी और मसला फलस्तीन के जल्द मुनसिफाना और पायदार हल के लिए काम करने का वादा किया था। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा ने दौरा चीन का फैसला किया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन रवां हफ्ते 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात फरवरी में शेड्यूल थी, जो मुअत्तल कर दी गई थी। अक्टूबर 2018 के बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का पहला दौरा चीन होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और चीनी हुकाम के दरमियान दो तरफा तालुकात और मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी। एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी जासूस गुब्बारे के तनाजे के बाद फरवरी में बीजिंग का दौरा मंसूख कर दिया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.